हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल। एग्जाम्स फाइनली आ चुके हैं और डेफिनेटली आप अब पूरी तरीके से तैयार होंगे। नहीं तैयार हो ऐसा बिल्कुल मत सोचो, आपने जितना पढ़ाई की है उतना सफिशिएंट है आपके पास होने के लिए। डोंट वरी, आपके पूरे ग्रुप को निकालने के लिए इस वीडियो में 5 मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स मैं आपको बताऊंगा जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स करते हैं और जिनकी वजह से उनके मार्क्स गिरते हैं, उनके मार्क्स कम होते हैं। तो ये 5 मिस्टेक्स जरूर अवॉइड करिएगा चाहे आपका कोई भी पेपर हो। जनरली अगर आप बात करोगे पेपर के टाइम पर तो ये 5 आपकी मिस्टेक्स होती ही हैं। पहला, 15 मिनट क्वेश्चन पेपर रीडिंग टाइम। आमतौर पर आप लोग क्या एक्सपेक्ट करते हो कि 15 मिनट में हम पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ लें? गलत। जब आपको पता है कि पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो कंपलसरी है तो वो आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आपको पता है वो तो आपको करना ही है, तो आप तो बाद में भी आराम से उसको अच्छे से पढ़ सकते हो। तो डेफिनेटली आपको पता है क्या करना चाहिए कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक कि जो सीरीज है उस सीरीज के क्वेश्चंस को आपको पढ़ के आइडेंटिफाई करना है कि मुझे कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है चॉइस में। क्योंकि आमतौर पर देखा गया कि जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो मोस्ट इजी क्वेश्चन होता है, वो अप्रोचेबल होता है। तो 15 मिनट आप ये मत सोचो कि अरे यार मुझे ना पूरा पेपर पढ़ना है ताकि मैं डिसाइड कर लूं कि मुझे करना है कि नहीं करना है। पहला क्वेश्चन आपको करना ही है, वो पढ़ने की कोई मतलब नहीं है। आपके 15 मिनट आपको ये तय करने हैं कि कौन सा क्वेश्चन मुझे छोड़ना है, ठीक है। दूसरी चीज, आई विल सॉल्व फुल 100 मार्क्स इन 3 इयर्स। हम आमतौर पर पता है क्या होता है ना, ये सोच के जाते हैं कि मैं पूरा पेपर करके आऊं, और या तो हम एक प्रोविजन क्रिएट नहीं करके जाते कि यार अगर मान लो कल को पूरा पेपर हुआ तो भी रिग्रेट नहीं होना चाहिए। ये प्रोविजन क्रिएट करके जाना। देखो हर पेपर का लेंथ अलग अलग होता है। अगर आप घर से ये सोच के निकलोगे कि हाँ ठीक है 3 घंटे में अगर मैं पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी अटेम्प्ट कर पाया तो एटलीस्ट मुझे 85 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है। देखो आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करो और ऊपर ऊपर से करके आओ, उससे फार बेटर है कि अगर आप 70 मार्क्स का सॉलिड पेपर अटेम्प्ट करके आओ और बाकी 30 मार्क्स में से कम 15 मार्क्स का भले ऊपर ऊपर से करके आओ, तो बहुत ज्यादा बेटर सिचुएशन है कंपैरेटिवली, जहां आप 100 मार्क्स का पूरा पेपर अटेम्प्ट करने के चक्कर में आपने कोई भी क्वेश्चन ढंग से नहीं किया। तो ये थॉट प्रोसेस से बिल्कुल मत जाना कि आपका पेपर आपका 100% अटेम्प्ट होना ही चाहिए। स्पेशली पेपर लाइक अकाउंट्स, FR, कॉस्टिंग, ऐसे वाले पेपर्स आपके हो सकता है 100% अटेम्प्ट ना हो। तो ये पहले से ही माइंडसेट करके जाइएगा कि यस मेरे को 85 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है जिसमें से 70 मार्क्स का मुझे बहुत अच्छे से सॉलिड अटेम्प्ट करना है। तीसरी चीज, ओवरराइटिंग एंड स्ट्राइकिंग एंड फॉर्मेटिंग। यहां पर बच्चे के कम से कम 10 मार्क कट सकते हैं। फॉर्मेटिंग की बात करें, जैसे अकाउंट्स के पेपर होते हैं तो हम जब भी बैलेंस शीट बनाते हैं तो कंपनी का नाम आना चाहिए, फॉर द ईयर एंडेड या एज ऑन दैट डेट, फिर उसके बाद बैलेंस शीट के पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट क्रेडिट वगैरह वगैरह, ये फॉर्मेटिंग पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, इसमें कुछ मार्क्स कटते हैं। दूसरी चीज, कई बार मैंने एग्जाम कॉपीज देखी है, रिजल्ट के बाद मुझे कई सारी आंसर शीट्स आती हैं जिसमें बहुत सारी काटापिटी ओवर राइटिंग रहती है और उन वजह से आपके मार्क्स एक्चुअल में कटते हैं। हो सके तो इसीलिए आप कोशिश करके वो वाले पेपर्स, वो वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना जिसमें एटलीस्ट स्टार्टिंग के कम से कम 10-15 पेज तक आपकी ओवरराइटिंग ना हो, ये ध्यान रखना। उसके बाद डू नॉट स्टार्ट विथ 15-20 मार्क का सिंगल क्वेश्चन। आमतौर पर जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है, जैसे FR हुआ, अकाउंट्स हुआ, एडवांस अकाउंट्स हुआ और भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हुआ, हम गलती ये करते हैं कि जो पहला क्वेश्चन होता है या फिर ऐसा कोई क्वेश्चन होता है जो 15-20 मार्क का एक सिंगल क्वेश्चन है, जैसे बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन का क्वेश्चन आ गया या अमेलगमेशन का आ गया, ठीक है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का आ गया, तो 15-20 का सिंगल क्वेश्चन सबसे पहले आप वहां से स्टार्ट मत करो, क्योंकि आप जब स्टार्ट करते हो पेपर तो आपकी राइटिंग थोड़ी सी स्लो होती है। तो ऐसे केस में कोशिश करके क्वेश्चन नंबर 6 पहले ट्राई करो, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 आमतौर पर आपका इजी आता है और बहुत जल्दी आपका हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 नहीं करना चाहते हो, चॉइस में छोड़ रहे हो, तो बाकी बचे हुए क्वेश्चन नंबर जितने भी है जहां पर आपके ABC ऐसे ऑप्शन है वहां से शुरू करो। 15-20 मार्क का जो सिंगल क्वेश्चन आता है उससे स्टार्ट मत करना, नहीं तो आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आपको पता है बट उसके बाद भी आप कहीं ना कहीं अप्लाई नहीं करते हो, वंस योर पेपर इज डन फॉरगेट एवरीथिंग अबाउट दैट पेपर। अब आपका फोकस होना चाहिए अगले पेपर के लिए, नहीं तो बहुत मुश्किल में पड़ जाओगे आप। अपने कम से कम आप अपने 2-3 घंटे ये सोचने में वेस्ट कर देते हो कि अरे यार मुझे पेपर ऐसा रहा वैसा रहा, दोस्तों से बात करते हो, इसमें बिल्कुल भी आपका फायदा नहीं होने वाला है। तो इन 5 मिस्टेक्स को जरूर अवॉइड करना चाहे आपका कोई भी पेपर हो, जिससे आपके मार्क्स कहीं ना कहीं बढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में जो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं FR, अकाउंट्स, एडवांस अकाउंट्स के लिए, चाहे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट हो, मास्टर प्रॉब्लम्स की लिस्ट हो, PDF फाइल्स हो और प्लेलिस्ट हो पूरे रिवीजन वीडियोस की, वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए।
जाएगा, एक जगह पर मिल जाएगा, उसको जरूर एक बार देख के जाना, आपको बहुत मजा आएगा और बहुत फायदा मिलेगा। गाइज ऑल द वेरी बेस्ट, आप अपने ऊपर भरोसा रखोगे ना तो पूरी जिंदगी अच्छे से जीतोगे, हर हर पेपर में अच्छे से जीत के आओगे, ठीक है। सो बिलीव इन योरसेल्फ, चाहे आपकी पढ़ाई थोड़ी सी ऊपर नीचे हुई है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।